पीस यानी शांति की चाह हर कोई रखता है, क्योंकि शांत मन से ही सटीक निर्णय लेना संभव हो पाता है। लेकिन मूलभूत प्रश्न ये है कि आखिरकार शांति है क्या? श्रोताओं, शांति दरअसल में व्यवधानों की समाप्ति है। अगर आप भी शांति की इच्छा रखने वालों में से एक हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी इच्छाओं को ही शांत करना होगा। शांति शब्द सम धातु से निर्मित है, जिसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, जैसे कि प्रसन्न होना, बुरा प्रभाव हटाना इत्यादि। हमारे वेदों में शम धातु और इसके रूप कई स्थानों पर प्रयुक्त हुए हैं, जिनका अर्थ सुख, कल्याण, स्वास्थ्य या धन आदि से लगाया जाता है। श्रोताओं, जीवन में शांति के लिए तीन चीजें अति आवश्यक हैं। पहला, नियम। जिसके जीवन में नियम है, या यूं कहें कि जिसका जीवन नियमित है, उसकी जिंदगी में शांति है। इंसान अगर नियम में नहीं है, मतलब जिधर मन हुआ उधर को भाग लिया, जब मन हुआ तभी चल दिया, जो चाहा वही करने लगा, सारे नियम कायदे तोड़कर स्वच्छंद व्यवहार किए, तो उसके जीवन में शांति कभी नहीं आ सकती। दूसरा, अनुशासन। यहाँ इसका मतलब अपने ऊपर अनुशासन रखने से है, यानी कि जो किसी के कुछ कहने से, उकसाने से, बहकाने से अपना अनुशासन भंग नहीं करता, उसके जीवन में शांति बनी रहती है। तीसरा, व्यवस्था। व्यवस्था से बड़ी बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं। जो लोग योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्था में रहकर काम करते हैं, उनके जीवन में शांति सदा विद्यमान रहती है। गौतम बुद्ध अपनी भिक्षा का पात्र लेकर रोजाना भिक्षा मांगने जाया करते थे। जैसे ही वे किसी भी घर के सामने भिक्षा हेतु खड़े होते, वैसे ही उस घर की स्त्री बाहर निकलकर तैयार भोजन बुद्ध को दे देती। बुद्ध भोजन स्वीकारते और देने वाले को धन्यवाद कहकर आगे चले जाते। एक दिन बुद्ध किसी नए गांव में, जहां वे पहले कभी भी भिक्षा मांगने नहीं गए थे, वहां भिक्षा हेतु जाते हैं और एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं। उस घर की गृहिणी एक कड़वे और तीखे स्वभाव वाली स्त्री होती है। भिक्षु पर निगाह पड़ते ही वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और भिक्षु को भला बुरा कहने लगती है। काम चोर कहीं के, इतने तंदुरुस्त हो फिर भी कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? तुम लोगों को बिना मेहनत किए खाने की आदत पड़ गई है। बुद्ध उस स्त्री की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। इस पर वो स्त्री और जोर से चिल्ला कर कहती, दरअसल तुम लोगों को मुफ्त का खाने की आदत लग चुकी है। इस तरह से वो स्त्री लगातार बुद्ध को जाने अनजाने में गालियां देती चली जाती। बुद्ध उस स्त्री की भड़ास समाप्त होने की प्रतीक्षा करते। अंत में वो स्त्री बुद्ध को कहती, अब तुम पत्थर की तरह यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, कुछ काम धंधा करो। जब बुद्ध को लगा कि उस स्त्री के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो वो उस स्त्री को कहते हैं, माता, आपके द्वारा दी गई चीजें मैं अस्वीकार करता हूँ। स्त्री आश्चर्य से कहती है, लेकिन मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। बुद्ध कहते हैं, माता, मैं जब से आपके द्वार पर आया हूँ, तब से आपने मुझे वो सब कुछ दिया जो आपके पास है। स्त्री बड़ी समझदार होती है। वो तुरंत समझ जाती है कि भिक्षु उसके द्वारा लगातार दी जाने वाली गालियों के विषय में कह रहा है। फिर वो स्त्री लज्जा और आत्मग्लानि के कारण तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर जाती है और क्षमा याचना करते हुए उनके लिए अंदर से खाना लेकर आती है
और उन्हें अर्पण करती है। इस तरह बुद्ध उस स्त्री को धन्यवाद कहकर वापस लौट जाते हैं। मित्रों, इस तरह की और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं।